तो क्या है? अल्लाह फरमाता है कुरान में कि जो हमारे बंदे हैं, जो हमारी बंदगी करते हैं, उनके चेहरे पर हमारी बंदगी छलकती है। तो जाहिर सी बात है कि चेहरे पे जो है एक अलग हिसाब किताब होगा, पहचानने वाला पहचाने का जो सच्चाई पे होगा, वरना दुनिया सारी है ही धोखा। तो अदब करना बहुत अच्छी बात है, जिसके अंदर शर्म व हया अदब न हो, शैतान उसका साथी बन जाता है और जो उसे अश्लील बुरे कामों की तरफ धकेलता है और वो धकलता चला जाता है। तो इसी हिसाब से जब हम जाते हैं हर धर्म में, जैसे पंडितों के पास जाते हैं हम, और इस्लाम धर्म में जो पीर हैं उनके पास जाते हैं, जबकि नुतफे से बना इंसान है और पब्लिक को इस तरह गुमराह कर रखा है कि लोग उनके आगे माथा टेकते हैं, सर झुकाते हैं, पैर पकड़ते हैं, जबकि तारीफ सब अल्लाह के लिए हैं जो कभी ना मिटने वाला है, जो कभी ना मिटने वाला है। हर इंसान जानता है, हर इंसान जानता है सच क्या है और झूठ क्या है। हर इंसान को पता है कि यहाँ दुनिया में हर चीज़ मरने मिटने वाली है, अल्लाह ही जिंदा रहने वाला है, बाकी रहने वाला है, सबको पता है, अंतरात्मा जानती है इंसान की। लेकिन जानबूझ कर दुनिया में के नशे में दुनिया में खो करके गलत राह पकड़ता है। तो जैसे हम जाते हैं तो लिहाजा हमें भी उनका अदब करना पड़ता है, क्योंकि अदब की तो पहली निशानी है हया अदब, शर्म हया। किसी से बदतमीजी से पेश आना या वैसे आना ये गलत चीज़ हैं, इनसे हमें अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो दूर रहा करते हैं। फिर जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके चेहरे पे हया और अदब झलकता है, छलकता है। जो शैतान के बंदे हैं, जो गलत कह गया मैं, शैतान के बंदे नहीं, बंदे तो अल्लाह के ही है, जो शैतान के साथी हैं, शैतान उनका साथी है, उनके चेहरे पे अहंकार, घमंड, तकब्बुर छलकता है। चेहरे पे दिखता नहीं है, आंखें निकली हुई, चेहरा मुंह बना हुआ, माथे पे सलवट। जो शैतान के साथी है उनके चेहरे पे तकब्बुर, घमंड छलकता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। और जो अल्लाह के बंदे हैं, नेक सच्चे बंदे, उनके चेहरे पर सच्चाई, ईमानदारी, भलाई, हया, अदब, शर्म व हया छलकती है। तो जैसे हम जाया करते हैं तो वो लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो भाई ये इंसान हमारे पास आया है, वरना लोग कहाँ आते हैं। तो हम अपनी जवान से कोई ऐसा बोल नहीं बोलते जिससे कि किसी को तकलीफ पहुंचे। अब चूंकि वो बड़े बने बैठे हैं भाई, वहाँ पब्लिक बैठी है तो उनका मर्तबा बड़ा है वहाँ पर। मैंने बताया था कि इंसान ना उम्र से बड़ा होता है, ना जाति बिरादरी से बड़ा होता है, इंसान अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। और अच्छे कर्म भी कैसे? जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उनके द्वारा चलने वाला, उनके द्वारा अच्छे कर्म करने वाला, अपनी मर्जी से नहीं। क्योंकि इंसानी अकल में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी मर्जी से सही राह पे आ जाए। वो जो अल्लाह ने आदेश भेजे हैं आसमान पे से, उसी द्वारा इंसान सच्चे राह पर आ सकता है। तो अब वो जब हमसे बात करते हैं, सारी दुनिया में बिगाड़ एक चीज पर है, खास तौर पे देखा जाए तो वो है सिर के ऊपर। सिर कहते हैं कि जो अल्लाह के अधिकार हैं, अल्लाह का हक है, वो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों को देना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, अल्लाह के अधिकार किसी और को देना, अल्लाह का साझेदार ठहराना, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सजदा करना, सर झुकाना, ये शिर्क है। तमाम चीज़ें शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं,
जब इस्लाम की जानकारी हासिल करेंगे, अल्लाह की खोज करेंगे, जीवन ही इसलिए मिला है हमें। जो अल्लाह की खोज करेगा वो अपना जीवन, मौत के बाद का जीवन उसका कामयाब हो जाएगा। ज़िंदगी तो इम्तिहान है। और जो इस दुनिया के खेल तमाशे में लग कर जो है जीवन को बर्बाद करके चला जाएगा, वो मौत पे हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाएगा और हमेशा के लिए नरक का ईंधन, जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। तो अब सवाल ये है कि जब वो बात करते हैं हमसे, तो वो सिर पे लाते हैं घुमा के, जैसे मैं गया था एक जगह पे, मैंने देखा कि वो लोग आ रहे हैं, उनके सामने सजदा कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं और शिर्क हो रहा है। अच्छा, शिर्क को मिटाने का हुक्म दिया गया है, लेकिन एक आदमी नहीं। हमारे नबी जब पैदा हुए थे तो पूरी दुनिया में शिर्क था। अल्लाह के अधिकार, अल्लाह को लोग भूल चुके थे, मखलूक की पूजा कर रहे थे, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की, पत्थरों की पूजा कर रहे थे, इंसानों की पूजा कर रहे थे। लेकिन हमारे नबी ने वही किया जो अल्लाह ने चाहा, क्योंकि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। कुरान में सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है, आलमीन का पालनहार है। तो लिहाजा तारीफ अल्लाह की इसमें आ गई, और फिर पालने वाला भी है, हैं? और दूसरी क्या आई? अर्रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला। तो लिहाजा अल्लाह ताला रहम करने वाला है। अल्लाह ने कहा है कि दुनिया में तुम जो चाहो वो करो, तुमसे कुछ नहीं कहूँगा मैं, हाँ, लेकिन मौत के बाद मेरी पकड़ बड़ी दर्दनाक है, सजा बड़ी दर्दनाक है जो गलत राह पर चले। तो अब जब हमने उनसे बात करी तो वो शिर्क की बात करने लगे, लेकिन हक पे चलने वाला, जैसे हमारे नबी ने 13 बरस दीन फैलाया मक्के में, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, लोग गालियां बका करते थे, हमारे नबी दुआएं दिया करते थे, लोग पत्थर मारा करते थे, आप फूल फेंका करते थे। इस तरह से जो है हमारे नबी ने अकेलों ने मेहनत करी, तो लिहाजा हम भी जो है मेहनत करें, वही ज़िंदगी अपनाएं मक्के की 13 बरस की। तो हम वही ज़िंदगी अपना करके लोगों को, जो लोगों के पास जाते हैं, उन्हें दावत देते हैं, लड़ाई झगड़े से हमारा कोई मतलब नहीं, नबी की 13 बरस की ज़िंदगी अपनाते हैं हम। तो वो सिर की बात करने लगे, तो मैंने उनसे कहा कि मन की पीर साहब, ठीक है, हमारे यहाँ जो है, क्योंकि हम लोग फ़िरका वारियत में बंधे हुए हैं, और जो फ़िरका वारियत में बंध जाए, बांधे, अल्लाह और उसका रसूल का उससे कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है जो दीन को फ़िरकों में बांटे, फसाद फैलाए, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका फ़ैसला हम कर देंगे। हर इंसान जानता है मैं किस राह पर चल रहा हूँ और मुझे कैसा फल मिलना चाहिए, मेरे कैसे कर्म हैं। मन के पीर साहब, ये आप जो मुझसे बात कर रहे हैं ये शिर्क की बातें हैं, और आपको मेरे चेहरे से मालूम पड़ गया होगा कि हम सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं। हाँ, वो तो मैं समझ गया हूँ, जो जिंदा कायम और दायम है, हाँ, हम उसकी इबादत करने वाले हैं। पंडितों से भी कह देता हूँ मैं, जो हमारे पंडित भाई हैं, कि आपको मेरे चेहरे से मालूम पड़ गया होगा कि जो जिंदा खुदा कायम और दायम है, जिसे कभी ना मौत आएगी, हम उसके आगे सर झुकाने वाले हैं। सो लिहाजा उसकी पैदा की हुई जितनी भी चीज़ें हैं, हम उनके आगे सर नहीं झुकाते, और यहाँ तक कि इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, क्योंकि जान उसी की दी हुई है। तो ठीक है, हम अदब करते हैं आपका, लेकिन अदब में इतने अंधे भी नहीं बनते हम कि गलत बातों को एक्सेप्ट कर लें, गलत बातों को मानते रहें, हाँ हूँ करते रहें। इसलिए ठीक है, आपने मुझे बताया, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, और हर इंसान जानता है कि अल्लाह ही इबादत के लायक है,
वही सर झुकाने के लायक है। हम और तुम नुतफे से बने इंसान हैं, गंदे पानी कतरे से बने इंसान हैं, तारीफ हमारे लिए नहीं है। अल्लाह ने एक समय दे दिया है जीवन जीने का, जो चाहो करो, छूट दिए दुनिया में मौत तक। मेरे बंदे दुनिया में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इम्तिहान के लिए बनाया है मैंने ये जहान, सबकी परीक्षा है मौत तक, कौन क्या करता है, सबको देख रहा हूँ मैं। लेकिन मौत के बाद फिर तुझे मालूम पड़ेगा कि तूने कैसे कर्म किए थे और मेरा क्या फैसला था। तो इसी चीज़ से हम समझें, अदब करना अच्छी बात है, लेकिन अदब में इतने अंधे ना हो जाओ कि तुम हक और बातिल की तमीज ही ना रहे, सच और झूठ की तमीज ही ना रहे, और तुम झूठ में बह जाओ। अदब में कहीं भी जाओ, किसी भी बड़े आदमी के पास कहीं भी जाओ, ठीक है अदब करो, लेकिन अदब में अल्लाह के इल्म के ज्ञान के थ्रू अंधे ना बन जाओ। जो अल्लाह का हुक्म है उसी पर चलो, उसी को मानो, और हक बात कह दो, और अच्छे अंदाज से कहो, बुराई को मिटाओ भलाई से। अल्लाह ने आदेश दिया है कुरान में कि तुम बुराई को नेकी से दूर करो, जो सबसे अच्छा तरीका हो नेकी का, जो बुराई को मिटाने का नेकी के द्वारा सबसे अच्छा तरीका हो, भलाई का सबसे अच्छा तरीका हो, उसके द्वारा बुराई को मिटाओ। तो अब बात यह है, ये जो दुनिया है सारी, इस दुनिया का माल दौलत जो भी कुछ है इंसान के पास, जिसमें गुम है इंसान, ये एक ऐसा मीठा जहर है, ऐसा मीठा जहर है ये, कि जो धीरे धीरे इंसान को बर्बाद करता रहता है, धीरे धीरे इंसान को बर्बाद करता रहता है, और इससे ये होश भी नहीं आता इंसान को कि मेरा खुद अपना वजूद हर रोज हर घड़ी हर लम्हा मौत की तरफ जा रहा है। और ये मीठा जहर इसे पकड़े हुए है दुनिया में, और असल में जा रहा है ये मौत की तरफ, यानी दुनिया छोड़ने की तरफ। लेकिन मीठा जहर दुनिया का माल दौलत कोठी बिल्डिंग बंगला जमीन जायदाद, ये इसको जो है, मीठा जो जहर है ये इसको जो है बांधे हुए है इसकी अकल को। और अकल बड़ी कीमती चीज़ है, अल्लाह की सबसे, अल्लाह की सारी पैदा की हुई चीज़ों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह के नज़दीक अकल है। अकल से इंसान जन्नत में जाएगा, अकल से इंसान जहन्नुम में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। तो इसी चीज़ से जो है इंसान की जो अकल है उसको पकड़े हुए है दुनिया, और ये खुद अल्लाह की तरफ नहीं बढ़ता, इसीलिए अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। एक बात समझ लें हम आज के बाद, बहुत बातें करी हैं हमने, अल्लाह की हिदायत का मतलब है अल्लाह सच्चाई के होश में आना, कि मैं खुद किधर को जा रहा हूँ हर रोज। हम क्या समझते हैं कि हम दुनिया में आज़ाद हैं, हमारा कोई मालिक नहीं है। देखें चारों तरफ, हर इंसान आज़ादी चाहता है, हर इंसान क्यों चाहता है? इस्लाम धर्म में 5 वक्त का नमाज का वक्त दिया गया है, सारे जो है हुकूक हैं, सारे जो है पड़ोसी के साथ कैसे बर्तावा करना है, अल्लाह के सारे हुक्म हैं, अल्लाह ने सारे आदेश भेजे हैं, और माँ बाप के साथ कैसा बर्तावा करना है, औलाद के साथ कैसा बर्तावा करना है, रिश्तेदारों के साथ कैसा बर्तावा करना है, दुनिया में किस तरह से जीना है, ये सब अल्लाह के एक बंधन है जो कि इंसानों के फायदे के लिए दिए हैं अल्लाह ने। मगर इसके बावजूद इंसान चाहता है आज़ादी। हमें एक बात मालूम पड़ती है कि जैसे मिसाल के तौर पे इस सारी दुनिया का एक ही मालिक है, समझे बात को हम, वैसे तो हम जानते ही हैं लेकिन इस तरीके से समझे बात को, इस सारी दुनिया का एक ही मालिक है, उससे बड़ा कोई नहीं है, और उसका नाम अल्लाह है, और उसने ये दुनिया बनाई है इम्तिहान लेने के लिए। अब यहाँ हर रोज लाखों इंसानों को वो पैदा कर रहा है और लाखों को मौत दे के उठा रहा है, जो कल थे वो आज नहीं है,
और जो आज है वो कल नहीं होंगे। तो नहीं। ये तो आने जाने का जहान है, यह कौन हमेशा रहा है? ये तो दुनिया के फौरी धोखे में इंसान चल रहा है, समझ नहीं पा रहा बात को। तो उस मालिक ने ये दुनिया बना दी है और इसी ज़मीन पे से हर चीज़ मुहैया कर दी है इंसानों के लिए, खाने पीने की सब चीज़ें, और मौत तक उसने छूट दी है। अब उसकी कुदरत है सारी कि बगैर दीवार के, बगैर सपोर्ट के आसमान रोक रखा है, और कितनी सारी चीज़ें हैं, सारी कायनात को संभाले हुए है, हवा चलाता है हिसाब से, गर्मी गिरता है हिसाब से, सर्दी गिरता है हिसाब से। तो इसी तरीके से अब वो इंसानों को अगर चाहता तो वो ऐसी गायब कर लेता, यानी धरती पे चलते चलते गायब कर लेता, मौत ना दे करके ऐसी गायब कर लेता। तो फिर इंसान समझ जाते, गौर करते कि यार ऐसी हम लोग गायब हो जाते हैं, कोई गायब करने वाला है। तो फिर इम्तिहान ठीक से ना लिया जाता, फिर इम्तिहान ठीक से ना लिया जाता। अल्लाह ने क्या निजाम बनाया है, बड़ी सोच समझ के बनाया है निजाम। अल्लाह ने ये कायनात का निजाम बड़ी सोच समझ के बनाया है, बड़ी गहरी समझ के साथ बनाया है, सोची समझी साजिश से बनाया है, मगर लोग अंधे हैं, वो समझ नहीं पाते। अल्लाह ने क्या सिस्टम बनाया है कि शरीर में से आत्मा को निकाल लेता है, अच्छा माँ के पेट में बच्चे के अंग बनते हैं, कि वो बनते हैं मिट्टी से, मिट्टी से। तो अल्लाह ने क्या सिस्टम बनाया है कि शरीर को मिट्टी से बनाया है, आत्मा प्राण रूह आसमान पे से आती है माँ के पेट में, और शरीर में डाल करके इसका इम्तिहान लिया है। शरीर की जो गिजा है, खुराक है, वो धरती पे से मुहैया कर दी है सारी, खाने की पीने की जो भी चीज़ें हैं सारी हम खाते पीते हैं जीते हैं। ना खाएंगे तो शरीर मुरझा जाएगा, हमारा शरीर मुरझा जाएगा। रूहानी जो है, रूहानी इसकी खुराक है, गिजा है अल्लाह का जिक्र, क्योंकि रूहानी आसमान पे से आई है, तो कुरान भी आसमान पे से आया है। तो ये इंसान का इम्तिहान है। जैसे जिस्म में भूख लगती है, पेट में भूख लगती है, प्यास लगती है शरीर के अंदर, ऐसी रूहानी को भी प्यास लगती है अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह की पैदा की हुई रूहानी है, अल्लाह इसका मालिक है, शरीर का भी और रूह का भी। तो अल्लाह ने क्या सिस्टम बनाया कि लोगों को अचानक गायब नहीं करता, न मौत की खबर देता है कि फला समय में तेरी मौत भेजने वाला हूं। क्या सिस्टम बनाया है कि शरीर में से रूह को निकाल लेता है, जो असल चीज है, मैं जो बोल रहा हूं ये रूह है। तो मेरे शरीर को तुम बाद में मट्टी मिलाओगे, पहले तो अल्लाह रूह को निकाल लेगा, असल तो मैं हूं जो बोल रहा हूं। अब शरीर हमने मट्टी मिला दिया, अब लोग अकल के अंधे हो गए, क्योंकि दुनिया के ऊपरी पहलू पर निगाह है लोगों की, सच्चाई के पहलू पर निगाह नहीं है। अब लोग अंदरूनी दिमाग से शैतान भी ख्याल डालता है, शैतान का शिकार ज्यादा ज्यादा हैं लोग। अब लोग अंधे हो गए कि यार मट्टी मिल गया, कुछ नहीं मरने के बाद, और कुरान में भी कहा गया है कि कयामत तक ऐसा तबका
चलता रहेगा, ऐसे लोग ऐसी भीड़ चलती रहेगी इंसानों की जो ये कहेंगे कि मौत के बाद कुछ नहीं है। बस यही हमारी जो हम धरती में जी रहे हैं, यही हमें जीना है, यही हमें मरना है। जो लिहाजा जो करना है कर लो, जो मजे करने हैं कर लो, बदमाशी करो, बेईमानी करो, मक्कारी करो, जो मजे करने हैं कर लो। मौत के बाद कुछ नहीं है, कोई हमारा हिसाब किताब नहीं लेगा, कोई हमारा मालिक नहीं है, हम दुनिया में आज़ाद हैं। ये अकल के अंधे इतने अंधे हुए कि अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात पे गौर नहीं करते कि यार कोई चीज़ बगैर बनाए बन नहीं सकती। ये कायनात बगैर बनाए ना बनी। चलो यहाँ भी तुम अंधे हो गए, कहते हैं कि अपना आप बन गई साहब, चलो ठीक है अंधे हो गए तुम। दूसरी बात, कोई चीज़ बगैर चलाए चल नहीं सकती है, इसे तो मानना पड़ेगा, बगैर चलाए चल नहीं सकती। अब चलो इसको भी नहीं मानते तुम, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम कहो जी ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपना आप चल रहा है सब, ये दिन रात का सिस्टम और सूरज का और तमाम जो हवाएं जितनी भी चीज़ें हैं, गर्मी सर्दी ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा जरा सपोज करो थोड़ी देर के लिए कोई मोटरसाइकिल है, उसे स्टार्ट करके आप छोड़ दो गियर डाल के उसमें, यानी किसी के बगैर चलाए उसको चलाओ, कोई इसको ना चलाए, अपने आप चलाओ उसको, तो उसका परिणाम, उसका अंजाम क्या निकलेगा? भाई तुमने गियर डाल के स्टार्ट करके छोड़ दी, उसका परिणाम क्या निकलेगा? अंजाम कि वो टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर रोड पे है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वरना कहीं दीवार वीवार में कहीं किस चीज़ में टकरा जाएगी, टूट फूट जाएगी। तो इन अकल के अंधों से कोई ये पूछे, मैं सबसे कह रहा हूँ जो अल्लाह की कुदरत में गौर नहीं करते और अल्लाह की तरफ से अंधे बने फिर रहे हैं, मौत पे होश आएगा, धोखा खाएंगे, फिर जीवन की बाजी हार जाएंगे। इसलिए जब तक सांस चल रहे हैं, अभी समय है, गौर करो, उसकी कुदरत को पहचानो। कि इनसे ये पूछो कि बेवकूफो, चलो ठीक है, अगर इस कायनात का कंट्रोल करने वाला ना होता, इस कायनात का कंट्रोल करने वाला ना होता, तो एक गर्मी हिसाब से ना पड़ती, यानी इस हिसाब से कि इंसान उसको झेल सके। अगर बिना कंट्रोल वाला सिस्टम होता तो ऐसी गर्मी भी पड़ सकती थी कि सारे इंसानों को भून देती, जला देती, लेकिन एक हिसाब से पड़ती है। इसमें अकल कहती है कि कोई कंट्रोल कर रहा है, एक हिसाब से जितनी इंसान झेल सके उतनी ही गर्मी गिरता है। अब यूँ तो खैर अल्लाह का कुदरत है, ये सिस्टम है कि गर्मी से लोग मरते भी हैं, तो ये तो मरने मिटने का जहान उसने मौत जिंदगी बहुत बनाया है, लेकिन सबके लिए तो नुकसान नहीं है। बात समझें बारीकी से। अब सर्दी का सिस्टम है, अगर कंट्रोल करने वाला ना होता अल्लाह ताला, तो ऐसी सर्दी भी पड़ सकती थी कि सब इंसानों को मार देती। सर्दी से ठीक है, बड़े बूढ़े जो हैं, जो बीमार लोग हैं, वो मर जाया करते हैं, ये तो जिंदगी मौत का सिस्टम दुनिया में चला हुआ है, लेकिन सब तो नहीं मरते, वो तो एक मौत का बहाना ही बना दी है अल्लाह ने। बारिश एक हिसाब से पड़ती है ताकि फसल उग सके और इंसानों के लिए खाने के लिए जरिया हो सके। अगर कंट्रोल करने वाला ना होता तो बेहिसाब बारिश भी पड़ सकती थी या ना भी पड़ती, तो कहाँ से फसल होती, कहाँ से लोग खाते पीते। हवाएं हैं, जब पेड़ों पर आम आते हैं उस मौसम में आंधी आती हैं। भाई जो आंधी आ रही है, अगर सिस्टम कंट्रोल करने वाला ना होता तो ऐसी आंधी आने में क्या देर है कि सबको तबाह कर दे। भाई जहां से ये आंधी आती है, क्या वहां और आंधी नहीं है और हवा तेज नहीं है? सब कुछ है। तो अगर कंट्रोल करने वाला ना होता तो ऐसी आंधी भी आ सकती थी कि सारे इंसानों को जो है, सारी जानदार चीजों को धरती पे, पृथ्वी पे तबाह बर्बाद कर देती।
तो अकल के अंधों से पूछो कि ये कायनात बेकार नहीं बनी हुई। गौर करो कि उस संसार के मालिक का सच्चा धर्म कौन सा है, इस धरती पे मौजूद है और आम तौर पे लोग जानते भी हैं। लोगों की फूट नहीं रही, सबको दिखाई दे रही है कि जो सच्चा मुसलमान है, सच्चा ईमान वाला है। हर धर्म में मिलावट है, इस्लाम में भी मिलावट है। जो सच्चा मुसलमान है वो निराकारी शक्ति के आगे सर झुकाता है और फूट नहीं रही लोगों की। सब जानते हैं कि संसार का जो सच्चा मालिक है वो निराकार है। संसार में हर चीज विनाशी है, सबका विनाश होने वाला है, मरने मिटने वाली है। संसार की हर चीज फानी है, अल्लाह ला फानी है। संसार की हर चीज मरने मिटने वाली है, अल्लाह कभी ना मिटने वाला है, ला फानी है। जानते हैं इस चीज को और फूट ना रही सबकी, सब देख भी रहे हैं। ईद बकरीद पर लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, सबको पता है कि इनके आगे कोई मूर्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी जानबूझ के, जानते हैं यही सच्चा तरीका है, जानबूझ के हर धर्मी में अहंकार में नहीं मानते। शैतान के साथी हैं, शैतान उनका साथी है। जो शैतान को अपना साथी बनाएगा, अल्लाह ने उसका भी अंजाम धर रखा है। क्या है? नरक की आग, जहन्नुम की आग, मौत के बाद। लोग समझते हैं मौत के बाद कुछ नहीं, सरकसी कर रहे हैं, धरती पे फसाद फैला रहे हैं, अच्छाई को बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे धर्म को बदनाम कर रहे हैं कि आतंकवादी, दहशतगर्द, टेररिस्ट। अच्छा, जब तक तेरे सांस चल रहे हैं ना, तू कर जो तुझे करना है नहीं? लेकिन बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएगा क्योंकि हर चीज संसार के मालिक के कब्जे में है। हाँ, तो अपने कर्म खराब कर लेगा। और जब तक सांस चल रहे हैं, कर जब तक करना है। तो ये तुझसे पहले बहुत आए, तुझसे पहले बहुत आए सच्चाई के खिलाफ बोलने वाले, भलाई के खिलाफ बोलने वाले, लेकिन निस्त तो नाबूद कर दिए गए, अल्लाह ने बर्बाद कर दिए। कुरान में कितनी कौमों के वाक़यात बताए हैं, बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े बादशाह, बड़ी बड़ी कौमें, जब सच्चाई से टकराए वो लोग तो वो खुद ही बर्बाद हो गए। यहाँ तो बर्बाद हुए हुए, अल्लाह ने वहां भी जो है तबाह बर्बाद कर दिए मरने के बाद नरक की आग में। अभी नकल के अंधों से कोई ये पूछे कि तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुलती, तुम दुनिया में इस कदर गुम हो गए, लीन हो गए, भटक गए कि दाएं बाएं से तुम्हारे सामने लोग मर रहे हैं, जब ये मर रहे हैं तुम्हें नहीं मरना? इंसान सारी उम्र धरती पे फसाद फैलाता है, सरकसी करता है, लेकिन एक वक्त उसका ऐसा आता है कि वो धरती पे से, इस संसार में से हमेशा के लिए उसका किस्सा कट जाता है, चला जाता है यहाँ से। लेकिन फिर भी बात साथ अल्लाह ही की रहती है, वही दिन निकालता रहता है, वही हवा चलाता रहता है, वही बारिश करता रहता है, वही सर्दी गर्मी करता रहता है। हम जैसे लोग जो कितने आते हैं और कितने मर जाते हैं। अब समझने की बात यह है कि इनकी आंख नहीं खुलती लोगों की, कि सारी दुनिया में जितने भी लोग प्रसिद्ध हुए सबकी मूर्तियां बना ली लोगों ने, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो हुए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चाई संसार में नीचे है ढकी हुई और झूठ उसके ऊपर फैला हुआ है, धोखा और झूठ। इससे भी चेक कर सकते हैं कि सारी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, बाकी सबकी मूर्ति बनाई गई। सब जानते हैं इस चीज को। और 95% गैर मुसलमानों को, बल्कि 98% सबको पता है कि इस्लाम धर्म संसार के मालिक का सच्चा धर्म है, सच्चा कानून है, सच्चा उसके इसमें आदेश है। जो इस पे चल के जाएगा वो दुनिया और आखिरत में, दुनिया और मरने के बाद के जीवन में कामयाबी पाएगा। जो इससे इस पे ना चलेगा, अपनी हर धर्मी में पड़ा रहेगा, अहंकार में चलता रहेगा, वो दुनिया में भी और मरने के बाद भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। बस दुनिया का नशा है, शैतान का धोखा है, इसमें पड़ा हुआ है इंसान। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, अल्लाह अपने बंदों को होश मिलाने के लिए तैयार है, हिदायत देने के लिए तैयार है, मगर कोई चाहे तो सही, अल्लाह से मांगे तो सही, अल्लाह की तरफ बढ़े तो सही, अल्लाह की खोज करे तो सही, शुद्ध भावना लेकर, सच्ची नीयत लेकर, डर के उससे, दूसरों की मौत पर सबक हासिल करके कि आज मर के ये गया, कल को मेरा भी तो नंबर है।
तब अल्लाह हिदायत देगा, क्योंकि ये इम्तिहान का जहान है। अल्लाह ताला किसी को ज़बरदस्ती हिदायत नहीं देता, उसने पूरी छूट दी इंसानों को। तो अभी नकल के अंदर को समझाना चाहिए इस बात को कि भाई ये कायनात बगैर बनाए ना बनी और ना बगैर चलाए हिसाब से चल रही है। तो कोई है जो हमारा सबका पैदा करने वाला है, और एक है वो, वो एक है। तो जब वो हमें माँ के पेट में गंदे पानी के कतरे से हमारे शरीर के अंग बना सकता है, जब उसने पहली बार में हमें बना दिया, तो दोबारा बनाने में उसे क्या परेशानी है? क्या वो हमें मिट्टी में से हमारे जर्रे कण शरीर के जिंदा ना कर सके हमें? बिल्कुल कर सकता है। कुरान संसार के मालिक की सच्ची किताब है, उसमें कहा गया है, जब हमारे नबी के पास में कुछ लोग आए, एक शख्स आया और हड्डी लाया, हड्डी एक बिल्कुल गली हुई, और हमारे नबी के सामने जो है वो हाथ में जो है उसने जो है अंगूठे से मछली राख बन गई उसकी, और फिर कहा कि ए मोहम्मद तेरा रब इसे जिंदा कर देगा। हाँ, कुरान की आयत पढ़ेंगे हम तो बहुत जगह मिलता है हमें हवाला कि कुछ आयत अल्लाह ने ऐसे फरमाया है कि जवाब दो, जिस रब ने इसे पहली बार पैदा किया था वही जिंदा करेगा। तो किसी झूठे खुदा के बारे में नहीं कही जा रही ये बात, वही खुदा कह रहा है जो सच्चा खुदा है कि पहली बार भी हमने पैदा किया था, दोबारा भी हम ही पैदा करेंगे, लेकिन मेरे कुछ कानून हैं। अल्लाह ने फरमाया कानून है, अल्लाह के कानून आदेश बदले नहीं जाते। ला मुबद्दिल कलिमात, जो उसने साजिश रच ली संसार की, कायनात की, एक सोच समझ के बनाई है और एक समय तक के लिए बनाई है, उसने फैसले का दिन अलग रखा हुआ है छांट के, जब इस कायनात को तोड़ फोड़ के धर्म भरम बर्बाद कर देगा, और जब से दुनिया बनाई है और क़यामत तक के सारे इंसानों को जिंदा करेगा, और फिर सबसे हिसाब लेगा। और रहे हमारे कर्मों का, लोग सोचते हैं हमारे कर्मों की उसे क्या पता, अरे बेवकूफों, जो इतने बारीकी से संसार को चला रहा है, क्या हमारे कर्मों से गाफिल है वो? हर वक्त उसकी नज़र है हम पर, उसकी कुदरत काम कर रही है, बाल हमारे बढ़ते रहते हैं रोज, बगैर अल्लाह के हुक्म के नहीं बढ़ते, नाखून हमारे बढ़ते रहते हैं, बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे जवानी में बढ़ता रहता है, फिर बुढ़ापे में घटता रहता है, तो हर वक्त अल्लाह की नज़र है हर चीज़ पे। तो अल्लाह हमारे कर्मों से गाफिल है कोई? जिस खुदा ने माँ के पेट में पानी से हमारे ये शरीर के अंग बनाए इतने बारीकी से, वो भी माँ के पेट में इतनी छोटी जगह पर, तो क्या वो हमारे दुनिया में अब चल फिर रहे हैं हम, हमारे कर्मों से बेपर गाफिल है वो? सब पता है उसको। तो लोगों की आंख नहीं खुलती और लोग गौर नहीं करते, लोग समझते हैं कि हम आज़ाद हैं। अरे तुम काय के आज़ाद हो यार, तुम दुनिया में अपनी मर्जी से ना आए। कोई इंसान दुनिया में अपनी मर्जी से पैदा होकर नहीं आया, अब हम आ गए हैं तो मरना भी नहीं चाहते, तो लिहाजा हम अपनी मर्जी से भी नहीं मर सकते, ना हमारा जीना ना हमारा मरना अपनी मर्जी से है। तो हमें तो मालूम पड़ा कि जीवन की डोरी किसी के और के हाथ में है, और उसका नाम अल्लाह है। तो इससे सबूत मिला कि हम तो गुलाम हैं। अरे साथ साथ समझे अकल खोल करके कि ये गुलामी की दलील है कि नहीं? अगरचे हम जान के मालिक होते अपनी के, तो जैसे चाहते वैसे जीते, फिर दुनिया में हमेशा जीना चाहते, जीने की तमन्ना करते, मौत को कौन पसंद करता है? तो इसी हिसाब से जो है, अब सारी उम्र इंसान दुखों से भागता रहता है, अल्लाह दुखों में घेरता रहता है, अल्लाह जो है दुखों में घेरता रहता है, तकलीफों में घेरता रहता है, परेशानियों में घेरता रहता है। तो इस चीज़ से हम समझें कि काहे की हम, काहे के आज़ाद हैं हम, दुनिया में कोई चीज़ आज़ाद नहीं है। कैसी हमारी ये ज़िंदगी है,
कि हम दुखों से भागते रहते हैं, दुख हमारा पीछा करते रहते हैं, तंगियों से भागते रहते हैं, तंगी हमारे पीछा करती रहती हैं, गमों से भागते रहते हैं, गम हमारा पीछा करते रहते हैं। हंसता खेलता परिवार है, हम नहीं चाहते कि हम में से कोई मर जाए, लेकिन हमारे सामने कोई मौत देख उठाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये दलील है इस चीज़ की कि हम किसी के गुलाम हैं, हैं कोई हमारा मालिक है, तो हमें उसकी गुलामी में आना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए, हमें आज़ादी से ज़िंदगी नहीं काटनी चाहिए, उसकी उसकी हुकूमत की बादशाहत में राज़ी होकर आना चाहिए। वैसे तो उसकी हुकूमत में ही है हम, लेकिन उसका हुक्म हमें समझना चाहिए कि हमसे चाहता क्या है वो, अल्लाह हमसे चाहता क्या है। अब ये क्या ज़िंदगी है कि इंसान औलाद पे आसरा करता है कि मैंने तमाम उम्र आफत कूटी है, औलाद मेरी सहारा बन के आ रही है और अब मेरा सहारा बनेगी। क्या देखते हैं कि सहारे की जो है अर्थी रखी हुई है, जनाजा रखा हुआ है। तो ये मालूम पड़ा कि किसी गुलाम है हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। एक आदमी सपने देखता है कि मैं पहले खूब कमा लूँ 10-20 साल, जाते हैं लोग विदेश कमाने के लिए, और फिर बैठ के आराम से ऐश करूँगा। वो खूब कमाता है और जब ऐश करने का नंबर आता है तो मौत का फरिश्ता आता है और उठाकर उसको ले जाता है। ये क्या ज़िंदगी है। और उसका सब कमाया हुआ माल औरों के लिए रह जाता है, फिर किसी काम का नहीं होता उसके लिए। तो ये क्या ज़िंदगी है। और हम अल्लाह के बंधनों में घिरे हुए हैं, इंसान गौर नहीं करता। कोई दुनिया में आज़ाद नहीं है। जिसने आँख खोल ली, अल्लाह की खामोश कुदरत को पहचान लिया, अल्लाह की खोज करी और अल्लाह को इस्लाम के द्वारा पा लिया। लोग कहते हैं भाई सबसे बड़ा काम क्या है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा काम दुनिया का क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा काम है कि अल्लाह को राज़ी करना। हाँ, जिसने अल्लाह की खोज करके अल्लाह को पा लिया और उसे राज़ी कर लिया, वही कामयाब होगा मौत के बाद। वो जीवन की बाजी हमेशा के लिए जीत जाएगा। और जो दुनिया के धोखे में पड़ा रहा, ऐसे ही मर गया, वो मौत पर जीवन की बाजी हार जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जल्दी होश में आएं, जल्दी गौर फिक्र करें, सोचो विचार करें और ज्ञान को हम हासिल करें और आगे बढ़ें। क्योंकि इल्म ही ऐसा रास्ता है, ज्ञान ही ऐसा रास्ता है जो इंसान को होश में ला सकता है। तो इसलिए हम ज्ञान की खोज करें। और भाई ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।